नमस्कार दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टॉप 20 फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो यह सभी झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए है। यह सभी जो प्रश्न है यह सिर्फ और सिर्फ झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए है और यह सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 19 जून को जो एग्जाम होने वाला है उसमें हूबहू यह सभी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है, इसमें मॉडल सेट से भी है, इसमें सिलेबस से भी है। यह सभी टाइप से आपको हम टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको हम अभी बता दें, आपकी तैयारी कैसे भी हो, अगर आपकी अभी से भी आप करना चाहते हैं, अभी आपके पास 2 दिन टाइम है। हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे सभी सीरीज देख ले, टॉप 20, टॉप 30 और टॉप 15 और टॉप 10 का प्लेलिस्ट में है पॉलिटेक्निक डाउट, उसमें से जाकर देख ले। अगर यह सभी आप देख लेते हैं तो आपका एग्जाम 100% निकलेगा। आपको एक चीज और बता दें, आप लाइव क्लास जो है ना, लाइव क्लास को अटेंड नहीं करें। लाइव क्लास क्यों नहीं अटेंड करें, आप सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो देखें, क्योंकि लाइव क्लासेस जब खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद जो रिकॉर्ड जो वीडियो है उसको देखें। क्योंकि होता है क्या है कि लाइव क्लास में सिर्फ 30 क्वेश्चन टीचर्स पढ़ाते हैं, चाहे हम हो या कोई भी हो, 30 क्वेश्चन टीचर्स सिर्फ पढ़ाते हैं, 30 से 40 क्वेश्चन, और आपको उसमें 2 घंटे लगा देते हैं। 2 घंटा मतलब समझ रहे हैं, अभी आपके पास समय साफ नहीं है और आपको 2 घंटे टीचर्स एक स्टूडेंट का ले रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। आपको अभी टीचर्स का लेक्चर नहीं सुनना है, मोटिवेशन नहीं सुनना है, आपको जो सुनना है वो आपको एग्जाम के लिए सिर्फ क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन को फेस करना है। इसलिए 30 क्वेश्चन अगर मान लीजिए अगर आप देख रहे हैं तो 30 क्वेश्चन 15 मिनट से 20 मिनट होना चाहिए, ना कि आपको 30 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटा समय चाहिए, क्योंकि अभी दो दिन आपके पास टाइम है। तो आप बाद में यह सभी आप लेक्चर सुनिए, मतलब अभी जो भी है सब आप MCQ जितना हो सके आप वो सभी क्वेश्चन को फेस कीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए हम इस वीडियो को देखते हैं, टॉप 20 मोस्ट VVI क्वेश्चन को। चलिए सवाल नंबर एक, जब जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ए प्रथम नियम, या बी द्वितीय नियम, या सी तृतीय नियम, या डी यह सभी। दोस्तों जल में तैरने का जो नियम है वो न्यूटन के तृतीय नियम यानी तीसरा नियम यह दर्शाता है। तो सवाल नंबर एक का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। दोस्तों अभी जो समय चल रहा है उसमें आपको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सदिश अदिश ये सभी जितना भी आने वाला है अभी वीडियो में है उसमें सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, परावर्तन अपरावर्तन, इसे आप जब पढ़े नहीं पढ़े इसके लिए जो हुआ सब ठीक है। अभी जो है आप सिर्फ MCQ क्वेश्चन देखें और रट लें, ब्रेन में रख लें, कुछ भी कर लें, वह आधारित प्रश्न को देखें, ठीक है। चलिए सवाल नंबर दो, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ए वेग, बी आयतन, या सी विस्थापन, या डी बल। दोस्तों सदिश राशि और अदिश राशि किसे कहते हैं इसके बारे में हमने बता दिया है, अभी आपको हम नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि सदिश राशि अदिश राशि की डिफिनेशन आपको हम बता रहे थे। देखिए सदिश राशि किसे कहते हैं, वैसी राशि जिसमें केवल दिशा और परिमाण दोनों हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल और केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर दो का जो सही जवाब होगा वो होगा ए बी आयतन। सदिश राशि नहीं है वो है आयतन, ठीक है। सवाल नंबर तीन, एंगस्ट्रम क्या मापता है? ए तरंगदैर्ध्य, बी आवर्तकाल, या सी आवर्ति, या डी समय। एंगस्ट्रम क्या माप सकता है? तो दोस्तों एंगस्ट्रम जो मापता है वो तरंगदैर्ध्य मापता है। सवाल नंबर तीन का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर चार, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया था? ए सेल्सियस, या बी जूल, या सी डेवी, या डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया था? वो वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों डेवी। सवाल नंबर चार का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन जो लेवल रहेगा आपका झारखंड पॉलिटेक्निक में वो मीडियम लेवल का रहेगा, ये नहीं कि हार्ड और टॉप लेवल का नहीं रहेगा, क्वेश्चन जो है आपका मीडियम लेवल का रहेगा। इसलिए आप निफिकी रहे और एग्जाम में आप निश्चिंत एग्जाम दें, आपका तैयारी अगर वेस्ट है तो आपका निकल जाएगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आज नाइट में आपको मिल जाएगा कि एग्जाम सेंटर पर क्या क्या चीज़ें लेकर जाना है और क्या क्या चीज़ लेकर नहीं जाना है, उसके वीडियो एक आपको डेडिकेट बनाकर दे देंगे, ठीक है। सवाल नंबर पाँच, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? ए सेल्सियस, बी डेवी, या सी जूल, या डी रामफोर्ड। मगर यहाँ पर होना चाहिए सर रदरफोर्ड होना चाहिए था, ठीक है।
उसमें एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, सवाल नंबर 6, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? ए श्यानता, बी गुरुत्वीय त्वरण, या सी पृष्ठ त्वरण तनाव, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों लोहे की सुई पानी से सतह पर तैरती है, इस परिघटना के कारण है पृष्ठ तनाव। सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? ए मरकरी, बी पेट्रोल, या सी स्वच्छ जल, या डी नमकीन। दोस्तों कौन सा जैसे द्रव है लिक्विड उसका घनत्व सबसे कम होता है, तो उसका जो सबसे कम होगा वो होगा पेट्रोल का। सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 8, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होते हैं? ए 450 वाट, बी 600 वाट, या सी 734 वाट, या डी 746 वाट। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रख लीजिएगा। यह 19 जून को जो एग्जाम होने वाला है झारखंड पॉलिटेक्निक में, उसमें हूबहू यह प्रश्न देखने को मिल सकता है। आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है कि 1 HP इक्वल टू, सीधा लिख देगा 1 HP किस कितने के बराबर होता है, 1 HP इक्वल टू वाट। आपको ऐसे भी लिख देगा 450 वाट, 600 वाट, या 734 वाट, या 746 वाट। तो एक हॉर्स पावर या एक 1 HP बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 9, बर्नौली प्रमेय आधारित है। ए ऊर्जा संरक्षण, या बी संवेग संरक्षण, या सी आवेश संरक्षण, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बर्नौली प्रमेय जो आधारित है वो सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 10, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा? ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, या सी शून्य हो जाएगा, या डी अपरिवर्तित रह जाएगा। दोस्तों बर्फ जब हम फोकस करेंगे, बर्फ पर जब हम फोर्स डालेंगे तो उसका जो गलनांक है वो घट जाएगा। सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 11, किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम होता है? ए 65 डिग्री, बी 95 डिग्री, या सी 98 डिग्री, या सी 99 डिग्री। दोस्तों हमारे नॉर्मल टेम्परेचर जो है, एक ह्यूमन का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98 डिग्री होता है। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये आने का चांस है आपको। ठीक है, हीट से है आपका प्रश्न, ये आने का चांस है, यह मोस्ट है। 2017 में यह प्रश्न आपको देखने को मिला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल नंबर 11 का जो जवाब होगा वो होगा 98 डिग्री। सवाल नंबर 11, जब किसी मनुष्य का यानी कि एक ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98 डिग्री के बराबर होता है। तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 12, उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये तो आना ही आना है आपको हर साल, और इजी भी है, आप सभी जानते भी हैं। ए चांदी, बी सोना, सी तांबा, या डी एल्युमिनियम। उष्मा का सबसे अच्छा चालक है वो है चांदी। ठीक है, सवाल नंबर 12 का ए सही जवाब होगा। सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से किसकी उष्मा धारित अधिक है? ए बेंजीन, बी जल, सी स्वर्ण का टुकड़ा, या डी लोहे का टुकड़ा। निम्नलिखित में से किसका उष्मा धारित अधिक है, तो उसका सबसे ज्यादा है स्वर्ण का टुकड़ा। सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा हो सकता है? ए भाप, बी गर्म हवा, या सी सूर्य के किरण, या डी सभी। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो ज्वालक पैदा हम कर सकते हैं वो भाप से हम कर सकते हैं। भाप से हम इंजन को चला सकते हैं, रेलवे इंजन को हम चलाए हुए हैं, वैज्ञानिक के द्वारा चलाया गया है। तो यह सभी जो सबसे ज़्यादा जो ज्वालक पैदा कर सकता है वो भाप कर सकता है। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 15, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है? ए तांबा, बी सीसा, सी जल, या डी कांच। दोस्तों सर्वोच्च यानी सबसे ज़्यादा विशिष्ट उष्मा का मान किसमें होता है, तो वो जो होता है वो जल में होता है। सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 16, उष्मा का सबसे अच्छा चालक है? ए चांदी, बी तांबा, या सी सोना, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उष्मा का सबसे अच्छा चालक, अभी जस्ट हमने प्रश्न 2-3 प्रश्न पहले पढ़ा था, उष्मा का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो होता है चांदी का। सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 17, आण्विक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ए संवहन, या बी किरण, या सी चलन, या डी विकिरण। आण्विक संगठन के द्वारा जो हीट में संप्रेषण जो सबसे ज़्यादा कहलाता है वो संवहन कहलाता है। सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 18, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ए इथर, बी बेंजीन, या सी पारा, या डी पानी।
दोस्तों ऊष्मा का सबसे अच्छा द्रवों में कौन सा अच्छा सुचालक है, वो है पारा। सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। काफी ज्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। सवाल नंबर 19, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है उसमें को हम क्या कहते हैं, ए वाष्पन या बी गलन या सी कथन कथन या डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ठोस से द्रव में जो पदार्थ का में परिवर्तन होता है उसे हम गलन कहते हैं। तो सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 20, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ए ऊर्ध्वापतन या बी वाष्पीकरण या सी पिघलना या डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वापतन कहते हैं। दोस्तों टॉप 20 में से अगर आप टॉप 15 यानी 15 क्वेश्चन 20 में से अगर आप 15 क्वेश्चन को आपने सही किया है तो आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। हमारे तरफ से गुड लक आपका, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा तैयारी किया है। दोस्तों दो क्वेश्चन अगर 20 में से अगर 15 क्वेश्चन की आपने तैयारी की है तो आपकी तैयारी मस्त है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर जिसका अभी तक 20 क्वेश्चन में से अगर 10 भी क्वेश्चन अगर सही नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर और प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिटेक्निक डाउट जो प्लेलिस्ट है वह उस पर जाकर आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 यह सभी क्वेश्चन है, फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आप वह सभी को विजिट करें और देखें, वह सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको हम बता दें, अभी से आपके पास 2 दिन टाइम है, आप किसी भी चीज़ का एडिक्शन है, आप इंस्टाग्राम व्हाट्सअप यह सभी चीज़ों को आप अभी से ही छोड़ दें, क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत ही कम है। 2 दिन के बाद आराम से आप टिपिएगा, इंस्टाग्राम रील्स व्हाट्सअप सब देखिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर अभी आप सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है, आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो करना है आपके क्वेश्चन पर। हाँ, लाइव क्लास अटेंड नहीं करें, आप समझिए हमारी बात को, लाइव क्लास अटेंड नहीं करें, रिकॉर्डेड वीडियो को देखिए। रिकॉर्डेड वीडियो में आपको क्या होगा, भगाने का आपके पास चांस होगा, आप लेक्चर बढ़िया समझ सकते हैं, आप एमसीक्यू क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और वहां पर होता है क्या कि 30 से 40 क्वेश्चन आपको 2 घंटे लगा देता है, आपके पास अभी समय नहीं है, इसलिए आप समझिए और रिकॉर्डेड वीडियो देखिए। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।